नमस्कार, मैं हिमांशु फोटोशॉप नाव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ब्लर टूल क्या होता है, ब्लर टूल का यूज़ किस लिए करते हैं, ब्लर टूल की खूबी क्या होती है। सो लेट अस स्टार्ट एंड सी द मैजिक। सपोज मान के चलिए हमारे पास फोटोशॉप है। इस फोटोशॉप में हमने कोई इमेज लिया, सपोज हमारे पास मान के चलिए जो इमेज है वो इमेज ये है। अब यहाँ से हमें ब्लर टूल तक जाना है। ब्लर टूल जाने के लिए सबसे पहले हमें फिल्टर में जाना है। फिल्टर में क्लिक करने के बाद लिक्विफाई में जाना है। लिक्विफाई में जाने के बाद यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है इसे ही ब्लर टूल कहते हैं। बेसिकली ब्लर टूल में होता क्या है कि ब्लर टूल के थ्रू हम किसी भी चीज़ को इन्हांस कर सकते हैं, उसे बड़ा कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। हम ब्लर टूल के थ्रू किसी भी पार्ट को बड़ा कर सकते हैं। सपोज़ हमें ये पार्ट बड़ा करना है, इसके लिए सपोज़ हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये सिंपली बड़ा हो रहा है, ये भी बड़ा हो रहा है, ऐसे ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। जितना ही हम क्लिक करेंगे उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा और उतना ही सूटेबल होगा। अब हम इसे अल्ट और माइनस, अब हम इसे छोटा करेंगे, अल्ट के थ्रू हम इसे छोटा करेंगे। हमारे पास एक सूटेबल इमेज आया। अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमारे पास है CTRL अल्ट और S। हम इस इमेज को सेव करते हैं डेस्कटॉप में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे।